ये अहमदाबाद का। अच्छा मुझे एक बात बता, बहुत ही बेशरम और बदतमीज टाइप के लोग थे। हमसे फालतू बोलता तो मैं तो झाड़ देती। पट्टी मार के 9 पट्टी खिला दूंगा, बता दे रहा हूँ। WWBM देखा, मजबूरी ठीक है, हमें अच्छी लग रही है। वो रहा नहीं जाता तड़पे, नाम क्या रखना है मुझे आज तक नहीं। अब ऐसे करते हैं कपल। इस सुपर बाइक लगने वाली इस KTM को ना चलाने। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। गाइस कैसे हैं आप लोग? पर आज के दिन की शुरुआत ना भाई बहुत ही खूबसूरत तरीके से हुई है, क्योंकि भाई आज सुबह सुबह जब मैं बिस्तर से उठा ना भाई, तो ये देखो बाहर क्या चल रहा है, बारिश। मतलब कि अचानक से जिस टाइम पे भैया बारिश की मतलब उम्मीदें थी पूरी, उस टाइम पे तो बारिश आई नहीं। अब जब आम का भैया सीजन आ गया है, मतलब कि आम के पेड़ों में ना हमारे बोर आ चुका है, अब बारिश आके ना इस बोर को गिराने का काम कर रही। कहने का मतलब है कि जनवरी के टाइम में बारिश चाहिए थी जिससे कि नैनीताल में स्नोफॉल हो, लेकिन उस टाइम पे भैया बारिश हुई नहीं। अब जाके आज अचानक से भैया मौसम बना और बारिश आ गई, और अभी अभी खबर आई कि भैया नैनीताल और अल्मोड़ा और भवाली और मुंशियारी में ना बहुत ज्यादा ओले वाली वर्षा हो रही है, मतलब मोटे मोटे ओले गिर रहे हैं। और कल ही कल भैया मैं अपनी बाइक का भैया मॉडिफिकेशन करके घर आया हूं, और आज मेरा प्लान था कि मैंने अपने बाइक के एलॉय पेंट कराने थे, क्योंकि ना बाइक अभी पूरी मॉडिफाई हुई नहीं है, बाइक के एलॉय वाले सब पेंट कराने थे, लेकिन अब मैं जा नहीं सकता बारिश, क्योंकि देखो हल्की हल्की बूंदाबांदी चल रही है। लेकिन कुछ भी करो भैया, निकलना तो पड़ेगा ही ना घर से। लेकिन आज ना सच में एकदम खूबसूरत सी मॉर्निंग के साथ, क्योंकि आज जो मेरी गाड़ी है ना वो फिर से ऐसा फील आ रहा है कि मैं जैसे नई गाड़ी खरीद के ला गया हूँ। और सच में थैंक यू सो मच यार। और हमारा जो रावण की लंका वाला जो वीडियो है भैया, मतलब कि 9 मिलियन टच कर चुका है, 90 लाख व्यू, और 1 करोड़ होने में सिर्फ 10 लाख व्यू और बचे हैं। उसके बाद हमारा श्रीलंका के सीरीज में नंबर 2 पर रैंक करेगा आपके रोहित पहाड़ी का वीडियो, श्रीलंका रावण की लंका वाला महल वाला वीडियो। और जिसने अभी तक नहीं देखा है ना भैया रावण की लंका वाला वीडियो, जाके देख लेना भैया, और फटाफट 1 करोड़ कंप्लीट हो जाए। उसके बाद एक तकड़ा सा मीटअप रखते हैं हल्द्वानी के अंदर। फिलहाल एक काम करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं बढ़िया तरीके, बस मौसम एक बार अच्छा सा हो जाए फिर घर से निकलते हैं कहीं अपनी गाड़ी के अलावे करने के लिए। आज ना अपनी मॉडिफाइड बाइक को लेकर मैं घूमने के लिए निकलने वाला हूं, क्योंकि भैया उससे थोड़ा सा रिएक्शन भी पता चलेंगे। कल तो भैया लेट नाइट घर आया था तो कुछ समझ में नहीं आया। फिलहाल भाई चलो बारिश का इंतजार करते हैं। अब इन पेड़ों को भी ना जब पौधे जैसे सूख गए थे ना, इनको भी पानी मिल जाएगा। उसके बाद ये पीले पीले जो पत्ते हैं ना, ये भी हरे भरे हो जाएंगे। और बारिश के आने से ना भाई हमारे जो आम के पेड़ है ना, इनका जो पूरा जो बोर आता है ना जिसमें आम लगता है, वो सारा बर्बाद होकर नीचे ऐसे गिर जाता है। इधर से कढ़ाई में कौन खा रहा है? अम्मी कढ़ाई में तू खा रही है या भाभी खा रही है? कोई तो कढ़ाई में खा रहा है। कढ़ाई ऐसे पोछी हुई जैसे हाथ से पोछते हैं। देखो भाई हमारे घर में ना सब तरीके से खाया जाता है, कढ़ाई से भी और हाथ से भी। है आजकल कढ़ाई होती कहाँ है, लोहे की। अच्छा वो चल गया, स्टील पिस्टल। तो घर में 8-10 कढ़ाई रख लो, हम सब लोग कढ़ाई में खा लेंगे, छोटी छोटी कढ़ाइयाँ, कढ़ाई चिकन, कढ़ाई चावल, कढ़ाई खिचड़ी, कढ़ाई रोटी। ऐसे कढ़ाई को लेके ही मम्मी लग चुकी है खाने में। सपोड़ा सपोड़ बोलते हैं हमारे पहाड़ी में, तो वही सपोड़ा सपोड़ लग गए। देखो कीटाणु नहीं, कीटाणु मिलते हैं, लाभदायक होता शरीर के लिए। किसने कहा लाभदायक होता करके? डॉक्टर किसने? लटवाल साहब। लटवाल साहब ने देखो मेरे पल्सर को कैसे ढक रखा है। इसके ना यार टैंक में ना पता नहीं पानी वानी घुस जाता है। पल्सर के साथ मेजर ही दिक्कत हो ही जाती है, पानी घुस जाता है फिर स्टार्ट होने में दिक्कत करती है। और भाई ये वही गाड़ी है भाई जिससे ना मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। इसको भी मैंने एलॉय पेंट कराए थे, जब ये गाड़ी थी ना मेरे पास तो मैंने इसको ही मॉडिफाई कराया था। ऐसा नहीं कि भाई मैंने अपनी कहते हैं KTM को ही मॉडिफाई कराया, मैंने जब पहली आपका पल्सर ली थी उसको भी मॉडिफाइड कराया था। उसके बाद जबकि सेकंड गाड़ी जिसको मैं मॉडिफाइड करा रहा हूँ, उसके बाद जो अगली गाड़ी आने वाली ना वो है भैया गोल गोल सर्कल वाला सा लोगो होता है ब्लू एंड व्हाइट कलर का, जिसे BMW बोलते हैं, उसकी तैयारी है। हमने अपनी गाड़ी निकाल दी घर से बाहर, और मम्मी और कहते हैं वर्षा तो गए भैया आपका कहते हैं मम्मी के दांत लगाने के लिए। अब बताए मेरे ना घर में एक बड़ी दिक्कत है भाई, एयरटेल का ना नेटवर्क का इतना इशू चल रहा है, इतना इशू चल रहा है मत पूछो। ब्लॉग मैंने कम से कम 1.5-2 घंटे पहले एडिट कर दिया, वो अपलोड नहीं हो पा रहा, तो मुझे यहाँ से निकलना है नियरेस्ट पेट्रोल पंप, हमारे चचा का जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे ना उनके वाईफाई की स्पीड बहुत अच्छी है, क्योंकि उनका ना कनेक्शन पता नहीं कौन सा है क्या चक्कर है, पता नहीं भगवान जाने, तो उनकी स्पीड ना बहुत शानदार रहती है। तो चलते हैं अपनी इस मॉडिफाइड बाइक को लेकर, और पहले अपनी वीडियो अपलोड करके आते हैं। तो भाई जी फिलहाल मैं ना इस मॉडिफाइड बाइक को ना जहाँ से भी लेकर निकल रहा हूँ ना भाई, सब लोग ना इधर उधर से उंगलियां दिखा रहे हैं भाई साहब, ऐसे देख रहे ना, मतलब जबरदस्त का इसको मतलब इतना बढ़िया मतलब अटेंशन मिल रहा है ना इस बाइक को। अब पता नहीं यार मतलब जब मैं राइड करूंगा तब क्या क्या दिक्कत आएंगी इसको लेके ना, इल्लीगल चालान या वालान रैपिंग वैपिंग को लेके। फिलहाल अपने मॉडिफाइड तो कर ही दिए, मजबूरी क्या क्या करवाती है देखो। और भाई अपनी गाड़ी का रिएक्शन देखो ना भाई, हर किसी को गाड़ी ना बहुत ज्यादा पसंद है। फर्स्ट क्लास लग रही ना, जबरदस्त मजा आ रहा है ना, तबाही लगने वाली है। फटाफट से वीडियो अपलोड करते हैं फिर चलते हैं भैया, आज ना मम्मी के दांत वांत भी लगवाने हैं, बहुत सारे काम करने हैं। भाई जी फाइनली अपना वीडियो अपलोड हो गया और मैं भैया पेट्रोल पंप से घर आ गया। और बताया अभी मम्मी भी ना आपका भाभी मम्मी को जाके हॉस्पिटल ले गई थी, और मम्मी के ना दांत का वो जो ऑपरेशन होता है ना, मतलब पहले आपका दांत अगर खराब हो जाते तो पहले रूट के नाल करते हैं ना, तो आज का प्रोसेस मम्मी का हॉस्पिटल में हो गया।
बट मैं जा नहीं पाया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कल या परसों में मम्मी को लेके ना हॉस्पिटल मैं जाऊंगा और मम्मी के दांत वांत सब लगा के ले जाऊंगा। और मेरे को भी आज जाना है आपका कालाडूंगी हल्द्वानी की तरफ को, मेरी एक दोस्त भी आई है, मुझे उससे भी मिलना है और बहुत सारे काम और करने हैं मुझे। अपना भी भैया देखो सुल्तान रेडी है, इसका नाम क्या रखना है मुझे आज तक नहीं पता है सच में। ऑलराइट गाइस, तो भैया आज मैं ना अपनी भैया इस सुपर बाइक लगने वाली इस KTM को ना चलाने वाला हूँ। तो खैर मैं लेट नाइट ना वहाँ से गाड़ी को लेकर आ गया था तो मैं खुद इसका मजा नहीं ले पाया। तो भैया राइड से पहले एक काम, महादेव का नाम हर हर महादेव, और महादेव हमारी इस गाड़ी को ऐसी सलामत रखना, बस इसके चालान वालान मत कटवाना और बढ़िया तरीके से सलामत रखना इस गाड़ी को। तो चलो भैया निकलते अपने घर से हल्द्वानी काला ढोंगी की तरफ। ये पहला दिन है हमारा बढ़िया तरीके से और मैं आ गया हूँ अपने ही कालाडूंगी में, और कालाडूंगी में मैं जा रहा हूँ अपने पुलिस वाले अंकल के सामने खड़े थे तो मुझे तो ये बोला कि पक्का रोक के पूछेंगे भाई कि गाड़ी का क्या है सी, तो उन्होंने कुछ रिएक्शन नहीं दिया। मुझे लगता है कि शायद नॉर्मल है रैपिंग वैपिंग इससे, बाकी वो तो यार जब मैं आउट ऑफ स्टेट निकलूंगा ना उसके बाद पता चलेगा कि भाई आखिर रैपिंग वैपिंग के ऊपर क्या सीन है। भाई कुछ भी कहो ना, लड़कियाँ कभी टाइम पर नहीं आई अपनी ज़िंदगी में, इन्हीं कुछ चंद लड़कियों की वजह से ना सारी लड़कियाँ बदनाम है देखो टाइम पर नहीं आने के लिए। भैया 36 टाइप का मेकअप भी इन्हीं को करना होता है, इनकी वजह से बाकी सारी लड़कियां बदनाम है जो मार्केट में जो टाइम पे नहीं आती हैं। 5 मिनट से खड़ा हूँ करके बाहर देर 5 मिनट से मुझे क्या होता है, रेडी क्या होता है, पेपर है बाबू जी, इसमें गाड़ी के पेपर है, इसका बहुत बड़ा यूज है जी। हम लोग घर से निकल के आ गए थे ना, हमारा मन था कि भुट्टा खाने कहीं जाएं लेकिन भुट्टा वाला ना कुछ मिला नहीं, पता नहीं ना G20 समिट चल रहा है जिसकी वजह से ना रोड साइड जितनी भुट्टा की दुकान लगी पड़ी थी ना सारी गाड़ी गायब कर दी है। तो चलें भुट्टा खाने, भुट्टा तो यहाँ मिल रहा था लेकिन ये भुट्टा बनी है, यहाँ एक दिक्कत ये है। चलते हैं ऊपर, इनकी एक दुकान है वहीं भुट्टा खाएंगे। ये भुट्टे के लिए हो रही है मचमच, जैसे हनुमान ने ना सीता का खोज निकाली थी ना, हमने भी भुट्टे वाली खोज निकाली। यहाँ से 100 मीटर ऊपर इनकी एक भुट्टे की दुकान है जिसका नाम रवि है, रवि है ना। तो भैया फाइनली हमको एक भुट्टे वाली दुकान मिल गई है। भैया ये भुट्टे पड़े हैं, ये कौन से स्वीट कॉर्न है वैसे नॉर्मल? अच्छा आपके दुकान वाले भेजा है हमको उधर से शर्मा आंटी, हाँ उन्होंने बताया कि हमारी दुकान है, कारण है उतरना है उतरो बैठना बैठो भुट्टे का देखो पता करो क्या सीन है। यार मेरे को तो नहीं खाना, आपको खाना। तू खाएगा? खाएगी। हला तू खाएगी? खा ले। नहीं एक से ही। एक से ही कैसे हो जाएगा? मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खा दूंगा अपने से। ठीक है एक बाइट खाएगी बस सिर्फ। ये सिर्फ ये लड़की सिर्फ दिमाग खाती है, भुट्टा नहीं खाती है, खाना नहीं खाती है। तो भैया लगो अपना भुट्टा बनके हो गया रेडी। क्या लगा तो पकड़ के देखो ना, ठीक है ठीक है भैया, चटनी वटनी लगा देना ठीक है इसमें। यानी जूली कोट भुजिया घाट कहाँ का खा दिया हमने? कल्लूर में खाया तुमने? कहाँ? कल्लूर में। कल्लूर कहाँ हुआ? साउथ में। अरे हम यहाँ नॉर्थ इंडिया के लोग साउथ इंडिया में कहाँ से खा लेंगे? वही तो कह रहा हूँ, हम हर जगह खाते हैं, भुट्टे में चटनी खाते हैं। ये नॉर्थ का नहीं, ये स्वीट कॉर्न है ना, कहाँ का है ये बताओ। ये मुझे पता नहीं कहाँ का, लेकिन ये अहमदाबाद का। अच्छा मुझे नींबू लगता है? लगता है यहाँ हर बार, हर बंदा लगाता लगाता है। तो भाई साहब कह रहे हैं कभी चटनी लगती नहीं इसमें। अरे मैं भाव बता रहा हूँ, अभी ना हम लोग ऊपर भुट्टा खाने गए थे और बताया भुट्टे वाला जो बंदा था ना वो इतनी बहस कर रहा था बेमतलब के ऊपर से, और मेरे साथ एक लड़की भी है ऊपर से, बंदा गाली दे के बात कर रहा था। मुझे ना बड़ा गंदा लगा यार सच में, मैं किसी दुकान वाले के कहने पे ना उनके पास गया था, लेकिन सच में अभी मैं रिटर्न जाऊंगा तो एक बार पक्का मिलूंगा उनसे और बताऊंगा कि भैया अगर आपने बताया था कि आपकी दुकान है ना, तो सच में बहुत बदतमीज और बेशरम लोग थे वो। लेकिन आपने जो दुकान बताया ना बिल्कुल मजा नहीं आया सच में, वो शराब शराब पी के सेट, वो लोग वहाँ पे शराब पी रहे सब लोग, और वो बंदा जो भुट्टा बेचने वाला क्या नाम बताया, रवि बताया, राजू जो भी नाम उसका, गाली दे के बात कर रहा है बंदा। और नहीं कासिम की दुकान है, वो लड़का रखा है, बाहर वालों को देख के ज्यादा तड़ी दिखाते हैं, सोचते बाहर की वाली बात। हमारे यहाँ कोई आ जाता है ऐसा हमसे फालतू बोलता तो मैं तो झाड़ देती हूँ। ओके मैडम थैंक यू, अपने भुट्टे वालों को समझाना कि कैसे लड़कियों से बात करते हैं, कैसे गैस से बात करते हैं तमीज से। तो भाई देखो हमने तो भैया अपना कर्तव्य पूरा कर लिया, और जिसने हमको वो रिकमेंड किया था ना दुकान वाला, हम उसके पास गए और बोल क्या है भैया कि ऐसा है तुम्हारा, जिस तो तुमने दुकान का नाम बताया जिसका भी एड्रेस दिया, बहुत ही बेशरम और बदतमीज टाइप के लोग थे। तो उसने बोला कि मैं बात करूंगी अभी शाम को उससे, अब उसकी मर्जी भैया वो बात करे या ना करे ये उस पर डिपेंड करता है। चलो मैं पूजा को छोड़ता हूँ उसके घर पे और फिर मैं निकलता हूँ यहाँ से अपने घर की तरफ। अरे ये तो कह रही थी कि मम्मी ने घर में गोभी के पराठे बनाए, तो हम लोग आगे घर की तरफ। अपनी कॉफी बन रही है, तो पिछले आधे घंटे से घुमाने में लगी पड़ी, घुमाने में लगी। भाई अपनी कॉफी लेके आ गई हीरोइन, देखो कॉफी अच्छी लग रही है, नहीं लग रही तो अच्छी। तो चलो भैया इसको करते हैं बाय बाय। चलो भैया निकलते हैं यहाँ से अपने घर की तरफ। रोज पराठे खाने हैं। तुम जिस दिन आओगे ना हाँ। कभी भी हाँ। गोभी के बनाऊंगी वाली गोभी।
पता नहीं यार भगवान। तो हमारा प्लान था हम अच्छा खासा घूमने जाएंगे, लेकिन हम घूमने नहीं गए, हम मात्र 5-6 किलोमीटर में हमने हमारी राइड खत्म हो गई, खत्म हो गई। फिर मिलेंगे, ये अपनी नोएडा वाला आइटम है, दोबारा फिर हम नोएडा आएंगे तब मिलेगा, वरना हमें शिफ्ट हो रही थी। तो चलो भैया, वो क्या था, वो रहा नहीं जाता तड़पे थी, वो ये वाली लड़की यही है, ठीक है, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। तो भाई फाइनली मैं आपका घर पहुंच गया हूँ, मैं आज थोड़ा लेट आया, तो घर में खाना वाना बनने लग गया। देखो मम्मी का ना मुंह टेढ़ा हो रहा है, देखो बिल्कुल ऐसे ना, तो मम्मी का क्या कहते हैं, आज सुबह इंजेक्शन लगे मुंह में, क्योंकि मम्मी का ना कहते दांत वार टूट गए तीन के, तो मम्मी के दांत लगाने तीन। चलो भैया अपना खाना बढ़िया तरीके से आ गया, सामने चल रहा है नागिन, वैसे हमारे घर में भी रहती है कुछ नागिन, देखो ये जरा करो, तो ऐसा फिस करो एक बार, और वो बड़े नाग भी होते हैं उनके, जिनके पास नागमणी होती है, पापा हैं। अच्छा देखो पापा तुमको नाग बोल रहे हैं, ठीक है, हमें नाग बोला ना, हाँ। अगर जिस दिन डस देंगे बचोगे नहीं। इन्होंने कहा ये छोटा नाग है कहा, और तुम बड़े नाग हो बोला इन्होंने, तुम्हारी बहू ने बोला जो पीछे घूम रही तुम्हारी। हम ऐसा डसेंगे ना, हमारा डसा हुआ पानी नहीं मांगता है, हम मिट्टी में मिला देंगे। सुन लिया तुमने, मिट्टी में मिला देंगे। भैया देखो मम्मी ने ना आज मुंह में इंजेक्शन लगाया, तो मम्मी को खाने भी कितनी तकलीफ हो रही है। क्या पेट बाहर निकल रहा है भैया जी, ये पेट कल को आपको प्रॉब्लम कर देगा, मैं 63 पर इस समय क्रॉस कर चुका हूँ, जरा मेरा पेट दिखा दीजिए। मैं रोज सुबह उठता हूँ 5 बजे, घूम के आता हूँ। नहीं आप रोटी खाते हो नॉनो, और उसके बाद दुनिया भर के व्यंजन खाते हो, दुनिया भर के चाउमीन खाते हो, दुनिया भर के ये विदेशी व्यंजन खाते हो, और उसके बाद 9 बजे उठते हो, ये झूठ मत बोलो कि मैं सुबह उठता हूँ। मैंने 1 रुपए की दवा नहीं खाई है अभी तक, और न किसी हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर के आगे खड़ा होके माफी नहीं मांगी है। मैं तो मर गया साहब, मुझे तो ये हो गया साहब, मुझे तो डायबिटीज हो गया, मुझे तो ये हो गया। चलो कल से काम करूंगा, मैं सुबह 5 बजे उठ के दौड़ने जाऊंगा, ठीक है। नहीं आपको मॉर्निंग वॉक करना पड़ेगा, मैं खुद योगा करता हूँ, अनुलोम विलोम करता हूँ, और ये कपाल भाती, ये पापा ऐसे करते हैं कपाल, अनुलोम विलोम, इनको नहीं हिलाते, पेट को हिलाते, सिर्फ पेट। मम्मी कह रही है कि सिर्फ पेट हिलाते हैं, तुम पूरे कंधे हिला रहे हो, पूरे हिला रहे हैं। कैसे कर रहे हैं पापा? कैसे? मैडम तुम मेरा जॉक ले रहे हो क्या? ले रहे हो? जॉक कर दो मेरे संग। जॉक कर रहे हो ना? मैं डेढ़ हड्डी का दिख रहा हूँ आपको, डेढ़ हड्डी का। अब भी तुम्हें पार्टी मार के 9 पार्टी खिला दूंगा, ये बता दे रहा हूँ। WWBM देखा है? WWBM WWE। तो भैया जी ऐसा खाना वाना खा लिया बढ़िया तरीके से, और अब सोने के टाइम हो गया आपका 9:30, और ये ना क्या कहते हैं मम्मी पापा की पेंटिंग बना रहे हैं, पापा और मम्मी की फोटो ले रही हैं, और पता नहीं कौन से एप्लीकेशन से, देखो कैसे ये क्या बना दिया मम्मी को, इंस्पेक्टर नहीं, पापा को बनाओ कुछ, पापा को जरा स्टार बनाओ, हीरो बनाओ, हमें जरूरत नहीं है कुछ बनाने की, हम खुद स्टार है, खुद हीरो है। ये देखो पापा को क्या बना दिया, देखो सोते हैं, और आज की ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। आज की घर की मस्ती ना बहुत हो गई, मतलब आज तो घर में खूब सारी मस्ती हो गई। चलो ठीक है, गुड नाइट। दूध पीते हैं और फिर सोते हैं, और कल मिलते हैं फिर आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और पहली बार चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करो, और रोहित पहाड़ी का इंस्टाग्राम अकाउंट में जाके फॉलो करो, वहां बात करते हैं।